नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के उभरने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार बोर्ड की एसटीटी प्रथम का रिजल्ट अगले सप्ताह होगा जारी। 5 लाख अभ्यर्थियों का इंतजार होगा खत्म। शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद ही एसटीटी 2 की होगी परीक्षा। रैयत की जमीन पर कब्जा करने वालों की खैर नहीं। बीएनएस की धारा 329 के तहत दर्ज होगी प्राथमिकी। बिहार के 4 खिलाड़ियों ने आईपीएल के लिए करवाया रजिस्ट्रेशन। बिहार के वैभव सबसे कम उम्र के खिलाड़ी, सभी के बेस प्राइस 30 लाख रुपए। शारदा सिन्हा को पूर्व राष्ट्रपति कोविंद ने किया सम्मानित। रामनाथ कोविंद ने शारदा सिन्हा को राष्ट्रीय सम्मान देने की कही बात, कहा उनके योगदान को रखा जाएगा याद। भारतीय क्रिकेट टीम को बड़ा झटका, शुभमन गिल के अंगूठे में आया फ्रैक्चर। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कई नए खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका। चले बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अगर कोई व्यक्ति किसी वास्तविक रैयत की जमीन या संपत्ति पर अनाधिकृत कब्जा करता है तो अंचल और थाना स्तर पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 329 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की बात सामने आई है। थाना स्तर पर बलपूर्वक अतिक्रमण या बेदखली के मामलों में भी अनुसंधान कर रैयतों को फौरन राहत दी जाएगी। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने गृह विभाग को पत्र लेकर भूमि विवाद मामलों में प्रभावी कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि बलपूर्वक कब्जा करने वालों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 126 के तहत गिरफ्तारी की जाएगी और 3 साल तक बंद पत्र भरवाए जाएंगे। बिहार बोर्ड की माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एसटीटी प्रथम का रिजल्ट अगले सप्ताह घोषित किया जाएगा। इस परीक्षा में लगभग 5 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। पहले पेपर की परीक्षा 18 से 29 मई तक ऑनलाइन मोड में हुई थी, जबकि दूसरे पेपर की परीक्षा 11 से 20 जून तक हुई थी। एसटीटी द्वितीय परीक्षा के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि ये परीक्षा शिक्षक नियुक्ति से जुड़ी होती है और इसके आयोजन का निर्णय शिक्षा विभाग द्वारा ही लिया जाता है। शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद ही एसटीटी द्वितीय की परीक्षा आयोजित की जाएगी। आईपीएल मेगा ऑक्शन के लिए खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और इस बार बिहार के 13 साल के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने भी अपना नाम दर्ज कराया है। वैभव का बेस्ट प्राइस 30 लाख रुपए रखा गया है और अगर उन्हें किसी टीम ने खरीदा तो वे आईपीएल के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन सकते हैं। इसके अलावा बिहार के अन्य क्रिकेटरों साकिब हुसैन, विपिन सौरभ और हिमांशु सिंह का भी नाम रजिस्ट्रेशन लिस्ट में शामिल है, जिनका बेस प्राइस 30 लाख रुपए है। आईपीएल 2025 के लिए 24-25 नवंबर को ऑक्शन होगा, जिसमें कुल 1574 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। इस ऑक्शन में इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पटना में एक समारोह में बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि शारदा सिन्हा संगीत की देवी थी और उनका योगदान अविस्मरणीय था। कोविंद ने शारदा सिन्हा को राष्ट्रीय सम्मान देने की वकालत की और उनकी सेवा के दौरान आई कठिनाइयों का भी जिक्र किया। शारदा सिन्हा भारतीय लोक संगीत की मिसाल थी और उनका योगदान छठ पर्व से लेकर भारत के विभिन्न हिस्सों में सुनाया जाता है। ये मेरा सौभाग्य है कि संगीत विद्या की आराधिका को सम्मानित करने का मौका मिला। वे भारतीय लोकगीत परंपरा के अनुपम उदाहरण थी। बिहार के कई शहरों में वायु गुणवत्ता का स्तर गिरा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI के अनुसार पटना में AQI 331 दर्ज किया गया है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। इसके अलावा हाजीपुर में AQI 373 है, जो सांस लेना मुश्किल बना रहा। मुजफ्फरपुर में भी AQI 324 दर्ज किया गया है, जो खराब श्रेणी में आता है। अन्य जिलों जैसे सिवान AQI 186, सासाराम का AQI 143, अररिया का AQI 239 और आरा का AQI 103 के साथ वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में है। वहीं बेगूसराय में AQI 277, बेतिया में AQI 224 और भागलपुर में AQI 275 में हवा की स्थिति खराब है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। पटना मेट्रो के प्राथमिक कॉरिडोर में मेट्रो का संचालन वॉकी टॉकी के माध्यम से किया जाएगा, जिससे इसकी रफ्तार औसतन 80 किलोमीटर प्रति घंटे से कम रहेगी। 15 अगस्त 2025 से मलाही पकरी से ISPT तक मेट्रो का परिचालन शुरू होने की संभावना है।
इस परियोजना के लिए 115 करोड़ की राशि मंत्री परिषद से मंजूर की गई है, जिससे मेट्रो ट्रेन पटरी लिस्ट और एस्केलेटर की खरीद की जाएगी। पुणे में निर्मित टीटागढ़ रेल सिस्टम्स की मेट्रो ट्रेनें पटना में इस्तेमाल होंगी। जून 2025 तक डिपो का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा और मेट्रो ट्रेन डिपो में से ही संचालन के लिए निकलेंगी। प्राथमिक कॉरिडोर में मेट्रो की रफ्तार कम रहने का कारण वॉकी टॉकी आधारित संचालन है। पटना में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने सख्त कदम उठाए हैं। चौराहे पर कैमरे लगाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर ऑनलाइन चालान काटे जा रहे हैं। ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने बताया कि बार बार नियम तोड़ने वालों के खिलाफ अब ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन रद्द करने की अनुशंसा की जा रही है। पिछले 6 महीनों में 5,691 लोगों का लाइसेंस निलंबित किया गया है, जबकि 133 लोगों के लाइसेंस रद्द करने का प्रस्ताव भेजा गया है। गांधी मैदान के पास ICCC ऑफिस से ऑनलाइन चालान की कार्रवाई की जा रही है और इमरजेंसी कॉल बॉक्स भी चौराहे पर लगाए गए हैं। एसपी ने कहा है कि नियम उल्लंघन पर आपराधिक मामले भी दर्ज हो सकते हैं। पटना पुलिस अब स्कूलों और कॉलेजों में साइबर अपराध से बचाव और जागरूकता अभियान शुरू करेगी। 10वीं से लेकर कॉलेज तक की छात्राओं को ये बताया जाएगा कि अगर कोई साइबर अपराधी उन्हें फोटो या वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेल करने की कोशिश करे तो उन्हें कैसे सख्ती से जवाब देना चाहिए। सिटी SP स्वीटी सहरावत ने इस अभियान के लिए एक विशेष टीम बनाई है, जिसमें महिला पुलिस अधिकारी और महिला हेल्प डेस्क कर्मी शामिल है। ये अभियान नवंबर के आखिरी सप्ताह से शुरू होगा और स्कूल कॉलेजों में साइबर अपराध पर जागरूकता बैनर लगाए जाएंगे। साथ ही पुलिस छात्राओं को ये भी बताएगी कि अगर उन्हें ब्लैकमेल करता है कोई तो वे कहां शिकायत कर सकती हैं। पटना DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने भूमि मामलों में लापरवाही बरतने वाले अंचल अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। पालीगंज अंचल के एक व्यक्ति ने 2 साल से जमीन का दाखिल खारिज कराने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन उस व्यक्ति के आवेदन पर अधिकारी ने कोई कदम नहीं उठाया। शिकायत पर जिलाधिकारी ने मामले की जांच की और अधिकारियों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया। इसी तरह दानापुर अंचल में भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके लिए भी अधिकारी पर जुर्माना लगाया गया है। दोनों अधिकारियों का जुर्माना उनके वेतन से काटा जाएगा। कुल मिलाकर 24 मामलों में अंचल अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। बिहार के शिक्षा विभाग के CS और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव S. सिद्धार्थ हमेशा अपने अनोखे अंदाज के लिए सुर्खियों में रहते हैं। अपने सरल और सादगीपूर्ण व्यवहार के कारण वे चर्चा का विषय बने रहते हैं। हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे घुड़सवारी करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में वे घुड़सवार दस्ते के साथ घुड़दौड़ मैदान में घुड़सवारी करते दिख रहे हैं। S. सिद्धार्थ जो 1991 बैच के IAS अधिकारी हैं, पहले भी हेलीकॉप्टर उड़ाने जैसे साहसिक कार्य कर चुके हैं। उनके ये सादगी और कार्यशैली लोगों को काफी आकर्षित करती है। S. सिद्धार्थ की कार्यशैली और सादगी अब एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। गया पुलिस ने डोभी चतरा मार्ग पर विशेष वाहन जांच अभियान के दौरान 7,426 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद की। शनिवार को SSP आशीष भारती को सूचना मिली कि झारखंड के चतरा से एक कंटेनर ट्रक अवैध शराब लेकर डोभी आ रहा है। इसके बाद शेरघाटी पुलिस और डोभी थाना अध्यक्ष को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मटन मोड़ पर ट्रक को रोका गया, लेकिन चालक ने भागने की कोशिश की। ट्रक की तलाशी में कई ब्रांड की शराब बरामद हुए। आरोपी की पहचान असम के गुवाहाटी निवासी बिट्टू सोनार के रूप में हुई है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद तस्करी की घटनाएं सामने आती रहती हैं, लेकिन पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार हाल ही में हरियाणा के रेवाड़ी में एक शादी समारोह में अपने पिता के साथ नजर आए। इस दौरान मीडिया ने उनसे सवाल किए, जिनका उन्होंने शालीनता से जवाब दिया, जिससे फिर से ये चर्चा शुरू हो गई है कि वो राजनीति में आ सकते हैं। निशांत कुमार ने कहा कि वो पहली बार हरियाणा आए हैं और यहाँ के लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा है। उन्होंने दहेज रहित शादी की सराहना भी की और कहा कि उन्हें परमवीर ने गर्मजोशी से आमंत्रित किया था। हालांकि निशांत ने राजनीति में आने के सवाल को बार बार खारिज किया है, लेकिन राजनीतिक हलकों में उनके संभावित डेब्यू की अटकलें अभी भी जारी हैं। लोजपा रामविलास ने 28 नवंबर को गांधी मैदान में आयोजित बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट संकल्प महारैली को स्थगित कर दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने शनिवार को ये जानकारी दी, जिसमें बताया गया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की व्यस्तता के कारण ये निर्णय लिया गया है।
चिराग पासवान बिहार में 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव और अन्य राज्यों के चुनावों में व्यस्त रहेंगे। इस महारैली को अब अगले वर्ष फरवरी या मार्च में आयोजित किया जाएगा। वहीं 28 नवंबर को पार्टी अपना स्थापना दिवस पटना स्थित कार्यालय में मनाएगी। चिराग पासवान ने हाल ही में अपने पिता रामविलास पासवान के पुराने कार्यालय में प्रवेश किया है, जो अब रोजपा रामविलास के कब्जे में है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन की मुलाकात हाल ही में झारखंड के देवघर में हुई। तेजस्वी यादव इन दिनों विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए झारखंड में थे, जबकि रवीना टंडन अपनी बेटी राशा के साथ वैद्यनाथ धाम के दर्शन करने पहुंची थी। पूजा के बाद रवीना टंडन जब देवघर एयरपोर्ट पर पहुंची तो VIP लाउंज में तेजस्वी से मुलाकात हुई। दोनों के बीच अभिवादन और बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। रवीना रेड कलर के सूट में खूबसूरत नजर आ रही थी, जबकि तेजस्वी यादव सफेद कुर्ते पैजामे में दिखे। रवीना की बेटी राशा की जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू फिल्म आने वाली है, जिसके लिए उन्होंने वैद्यनाथ धाम से आशीर्वाद लिया है। भारतीय टीम के ओपनर शुभमन गिल के अंगूठे में फ्रैक्चर के कारण टीम को बड़ा झटका लगा है। अब पर्थ में होने वाले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट से शुभमन गिल बाहर हो गए हैं। शनिवार को सिमुलेशन सत्र के दौरान गिल को अंगूठे में चोट लगी थी, जिसके बाद स्कैन में फ्रैक्चर आया। उनकी रिकवरी में कम से कम 2 सप्ताह का समय लगेगा और उम्मीद है कि वो दूसरे टेस्ट तक ठीक हो जाएंगे। गिल की अनुपस्थिति से भारत की बल्लेबाजी में बदलाव हो सकता है। KL राहुल को एक मौका मिल सकता है, जबकि अभिमन्यु स्वरन को डेब्यू का अवसर मिल सकता है। रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में ध्रुव जुरेल को भी टीम में शामिल किया जा सकता है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब, जिनके नाम है सादुल्ला पालवी, संजीव कुमार, ओमकार सिंह, मोहम्मद अफजल, आदित्य, सुधीर कुमार, दीपक, मनोज कुमार, असलम अंसारी, राहुल राज, सुनील कुमार, अमित कुमार, नौसाद राजा, रामबाबू दास, अरुण कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके मुताबिक वायु की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।